ग्राम पंचायत अनु में चुनावी जनसभा में अवसर पर स्थानीय पंचायत प्रधान सुरेंद्र मिन्हास ने कहा कि सांसद आदर्श गांव के विकास को अनुराग ठाकुर ने 1,03,00,000 रुपए की धनराशि से पंख लगाए हैं। ग्राम पंचायत अनु में चुनावी जनसभा के दौरान स्थानीय पंचायत प्रधान सुरेंद्र मिन्हास ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम के विकास को अनुराग ठाकुर ने 1,03,00,000 की धनराशि देकर पंख लगाए थे। पंचायत में सांसद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए सुरेंद्र मिन्हास ने बताया कि पंचायत में 23,00,000 की लागत से वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाया गया। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सांसद ने 12,00,000 रुपए दिए थे, जिनसे पंचायत में नालियां और सोक टैंक बनाए गए। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से 9,50,000 रुपए इस पंचायत को विभिन्न विकास कार्यों के लिए खर्च किए गए। उन्होंने बताया कि 14वें वित्त आयोग में सांसद के सहयोग से पंचायत में 30,00,000 के विभिन्न विकास कार्य करवा कर उन पर खर्च किया गया। विधायक और प्रशासन के माध्यम से 12,00,000 रुपए विकास कार्यों के लिए दिए गए। वहीं पंचायत के शमशान घाट की समस्या को हल करवाते हुए 1,50,000 रुपए दिया गया और यहां पर विकास करवाया गया है। पंचायत प्रधान ने कहा कि अनु पहली ऐसी पंचायत है जिसको पूर्णतः सीवरेज कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए और सोलर पैनल फिक्स कर रास्तों और गलियों को रोशन करने के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। ये सब तब हुआ जब सांसद द्वारा इस गांव को गोद लिया गया था। मुझसे मिला मेरा बाजी, ये बड़ी पुरानी डिमांड है। हमारे 80% लोग जो है वहाँ बारिश में भीगते हैं, सबको जला नहीं पाते हैं। अनुराग ठाकुर जी ने तुरंत उस शमशान घाट के लिए पैसा दिया और आप देख सकते हैं कि वहाँ शमशान घाट का कार्य भी आरम्भ हो चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का, जो मेरे संसदीय क्षेत्र में आए, मेरे लिए वोट भी मांगे और मुझे आशीर्वाद देने की बात कही है, उनका बहुत धन्यवादी हूँ। मुझे टिकट भी दिया, मेरे लिए प्रचार करने भी आए, वोट भी मांगा और आगे भी आशीर्वाद बनाए रखेंगे, इसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के सिर पर ठीकरा फोड़ना शुरू करते हैं, ये पहला काम कांग्रेस ने किया है कि अपनी हार स्वीकार करनी शुरू कर दी। हमारे कार्यकर्ताओं से गाली गलौज मारपीट करना ये आम बात बन गई है। मुझे लगता है कांग्रेस की हताशा अपने आप दिखाती है कि चुनाव हारने जाने। कार्यक्रम में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।